वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में कुछ बातें बताई थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन में लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। दूसरा पॉइंट ये था कि एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि वो सिर्फ रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं। इसी दौरान आपने देखा कि किस प्रकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी आपको बताया था कि आखिर ये काम होता कैसे है। कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करता है, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द एंजाइम इटसेल्फ सो दैट द एक्टिवेशन एनर्जी मे बिकम लोअर्ड और डिक्रीज्ड। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि जब एक्टिव साइट एंजाइम की रिएक्ट करती है सबस्ट्रेट से, तो वो सबस्ट्रेट के साथ एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ये कॉम्प्लेक्स का बनना ही एंजाइम को दूसरे और कैटलिस्ट से अलग करता है। तो जब ये इंट्रैक्शन बनता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप और सबस्ट्रेट के बीच में। इस कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए जो जरूरी एनर्जी है उसमें वो इंक्रीमेंट का काम करती है। दूसरा एक और पॉइंट जो इसमें कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वो ये था कि जिस प्रकार प्रोटीन अपने टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वीक इंट्रैक्शंस नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस पर निर्भर होती है, उसी प्रकार एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन में भी, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है, उस समय बहुत सारे ऐसे वीक इंट्रैक्शंस बनते हैं जो नॉन कोवेलेंट होते हैं और आयोनिक होते हैं, जो किसी फंक्शनल ग्रुप के एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप या कोफैक्टर या को एंजाइम इनके ग्रुप्स के बीच और सबस्ट्रेट के बीच बनते हैं, या जिसमें सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप ट्रांजिएंटली एंजाइम पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे इंट्रैक्शंस चूंकि बाइंडिंग के कारण बनते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, और ये ही बाइंडिंग एनर्जी है जो एक्टिवेशन को एनर्जी को कम कर देती है। अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये किस प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगी। यानी अभी हमें मालूम तो है कि बाइंडिंग एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो इस एडिशनल एनर्जी से पूरा होता है, लेकिन ये होता कैसे। तो ऐसी क्या चीज होती है जो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से जब अटैच होता है तो उसके कारण जो बाइंडिंग एनर्जी निकलती है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे, तो ऐसा अटैचमेंट में क्या होता है, उसको बताने के लिए एमिल फिशर का नाम यहाँ जरूरी है। जिन्होंने 1894 में ये बताया था
कि अगर कोई एंजाइम है वो जब किसी सब्सट्रेट से रिएक्ट करेगा या उसके साथ कंपाउंड बनाएगा तो वो एक तरीके से लॉग एंड की रिलेशन की तरह बनाएगा। उनका ये मानना था कि एंजाइम एक तरीके का लॉग है जिसमें एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट ही लग सकता है, इसीलिए एंजाइम में कैटेलिसिस के साथ साथ स्पेसिफिसिटी भी होती है। उन्होंने बताया कि ये जो है वो लॉग एंड की जैसा रिलेशनशिप है एंजाइम और सब्सट्रेट में, तो ये बेसिस बना बहुत सारे रिएक्शंस का बायोकेमिस्ट्री में, और इस पर इसी को ध्यान में रखकर बहुत सारी थ्योरीज भी आई। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे कि लॉग एंड की क्या चीज है जो बाइंडिंग एनर्जी से, जो बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज कर रही है। तो मान लीजिए एक कॉमन सा ही एग्जाम्पल है, बहुत किताबों में आपको मिल जाएगा, कि मान लीजिए एक ये स्टिक है लोहे की, जिसे जो है इस प्रकार बेंड होकर के दो टुकड़ों में टूट जाना है। यानी ये क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है जिसके एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। अगर इसमें एक इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाया जाए डायग्राम, तो ये इस प्रकार से बनेगा। सब्सट्रेट यहां होगा, प्रोडक्ट यहां होगा और एक्टिवेशन एनर्जी यहां होगी। ये एक नॉर्मल है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब अगर हम लॉक एंड की को देखें तो इस प्रकार से एक ऐसा एंजाइम होगा जिसमें इस सबस्ट्रेट के जैसा ही एक एक्टिव साइट होगा। उसमें एक सबस्ट्रेट इस प्रकार से फिट हो सकेगा कि सबस्ट्रेट फिट हो जाए। तो अगर हम लॉक एंड की बात करते हैं तो ये एंजाइम जो कि बाइंडिंग एनर्जी जो इसको बाइंड करेगी, ये सबस्ट्रेट है, इस एनर्जी को अब इसे तोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट तो ये है, यानी ये जो बिल्कुल सीधा स्टिक है इसे ट्रांजिशन स्टेट में इस प्रकार होना पड़ेगा तभी ये टूट पाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर जो एक्टिव साइट है वो इस प्रकार की नहीं है, क्यों? क्योंकि मोस्ट फेवरेबल इंट्रैक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट या बाइंडिंग एनर्जी का इंट्रैक्शन है वो इसी कन्फॉर्मेशन में यानी इसी आकार में बेस्ट सूटेड है। अगर ये आकार बदल के ऐसा हो जाता है तो उसके लिए बेस्ट सूटेड नहीं है, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है वो इस प्रकार के लिए नहीं बना है, वो इस प्रकार के लिए नहीं बना है, वो तो केवल ऐसे बना है। तो इसका मतलब है कि लॉक एंड की जो थ्योरी है वो सफिशिएंटली इस एंजाइम काइनेटिक्स को नहीं समझा सकती। अगर हम इसका एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट फिर से बनाएं तो अब क्या होगा
कि जो ES बनेगा वो और लो एनर्जी पे चला जाएगा, और लो एनर्जी के बाद उसको हायर एनर्जी उतनी ही फिर चाहिए होगी, और फिर इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हायर एनर्जी है और जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ये ES है, तो इट नीड्स मोर एडिशनल एनर्जी टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। तो इस प्रकार जहां पर ये एंजाइम लॉक एंड की वाला है वो थ्योरी सही नहीं है, एंड दिस काइंड ऑफ एंजाइम इज अनफिट फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। अब अगर हम दूसरे तरीके से सोचें कि क्या होगा, मान लीजिए हमारा एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो इस तरीके से है, और इस तरीके से होने की वजह से सबसे पहले जो रॉड है लोहे की या स्टिक है वो इस प्रकार लगेगी, और इस प्रकार लगने के कारण क्या होंगे, क्योंकि उसके जो इंटरेक्शन है वो थोड़े बहुत फेवरेबल हैं, मगर ये इंटरेक्शन और जो इंटरेक्शन और जो बाइंडिंग एनर्जी यहां निकल रही है ये अभी ट्रांजिशन स्टेट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या होगा कि दिस अटैचमेंट नीड्स फर्दर एनर्जी, अभी जितनी भी एनर्जी निकली है वो ट्रांजिशन स्टेट पर जाने के लिए ठीक नहीं है। तो क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट उस तरीके से लगा था उसको फिर से एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी अभी उसकी बढ़ती रहनी चाहिए, तो बढ़ती रहनी चाहिए के लिए एनर्जी वो क्या होगा कि उसका जो कन्फर्मेशन है यानी जो उसका शेप है वो इस प्रकार हो जाएगा ड्यू टू फर्दर इंट्रैक्शन। फर्दर इंट्रैक्शन हो जाएगा, जो ऑप्टिमल इंट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं वो ऑप्टिमल इंट्रैक्शन ओनली रीच्ड when the transition state is acquired। तो transition state जब acquired हो जाता है तभी जो है fully interaction जो है अपने optimum level पे पहुंचता है, और जब वो optimum level पे पहुंचता है तो उसमें इतनी ज्यादा energy आ जाती है कि वो transition state पर पहुंच जाए। तो ये जो है ये एक तरीके से इसने इस वाले जो एक्टिव साइट है वो किसके जैसी है, वो सबस्ट्रेट के जैसी ना हो करके ट्रांजिशन स्टेट के जैसी है एक्टिव साइट, ट्रांजिशन स्टेट की जैसी है, और यहां पर जितना भी इंट्रैक्शन है वो सब ऑप्टिमल है। फिर क्या होगा कि ये इस तरीके से एंजाइम अलग हो जाएगा, और दोनों टुकड़े भी अपने पॉइंट से टूट करके अलग हो जाएंगे। तो ये जो थ्योरी थी यानी ये जो तरीका था जिसे बताया गया बाद में कि अब यही होगा, इससे सबसे पहले माइकल पोलनाई ने 1921 में कहा, फिर इसी बात को हेल्डेन ने 1930s में
थर्टीज में कहा, और उसके बाद आप जानते हैं कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा काम जिसका है वो है लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने भी इस पर वर्क किया, इसी को लॉक एंड की, एम एन फिशर को नहीं। और उसके बाद जेंग्स हैं, डब्ल्यू पी जेंग्स ने 1970s में इस काम को आगे बढ़ाया, यानी ये जो थ्योरी थी इसे ही बढ़ाया है। तो जब हम इसे यहां पर उसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार तो वो बनता ही है, अनकैटलाइज्ड, और जब कैटालिसिस होगी तो इस प्रकार ग्राफ बनेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जब कैट एंजाइम आ गया तब ट्रांजिशन है और ये ग्राउंड स्टेट है। तो जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी लोअर हो गई और रेट भी फास्टर हो गया। रेट फास्टर इसलिए हो गया क्योंकि जो ग्राफ की पीक है वही घट गई, तो जब घट गई एनर्जी कम चाहिए तो रेट भी बढ़ जाता। तो ये तरीका था। तो इस एग्जाम्पल से को जब लोगों ने समझाया और समझा तो उन्होंने ये कहा कि ठीक इसी तरीके से जो नॉर्मल एंजाइम्स है वो भी बिहेव करते हैं, और जब इनिशियली सबस्ट्रेट से इंट्रैक्ट करते हैं तो जो वीक इंट्रैक्शन है शुरू में जो वीक इंट्रैक्शन है वो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसके बाद उन्हें फर्दर एनर्जी रिलीज करने के लिए अपने कन्फॉर्मेशन या शेप में चेंज करनी होती है। तो सबस्ट्रेट भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है कि वो एक्टिव साइट में फिट हो जाए। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो वीकर इंट्रैक्शन की बाइंडिंग एनर्जी है, इट कैन बी सेड दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वीकर इंट्रैक्शन इज ए मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कैटालिसिस। तो जो कैटालिसिस की प्रक्रिया हो रही है उसमें जो ये बॉन्ड बन रहे हैं वीक इंट्रैक्शन से, और ट्रांजिशन स्टेट पर जो कन्फर्मेशन, इसका बेस्ट ऑप्टिमम कन्फर्मेशन जो ट्रांजिशन स्टेट का हो रहा है, वही इसको जो है इसके कैटालिटिक पावर को, एंजाइम के कैटालिटिक पावर को बढ़ाता है। तो हम इसमें एक और चीज देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जो असली साइट ऑफ एक्शन है वो यहां पर है। असली जो साइट ऑफ एक्शन है जहां से ये दो भाग में टूट जाएगा वो यहां पर है, मगर इंट्रैक्शन जो है वो दूर के ग्रुप्स पर भी है, यानी दोज ग्रुप्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट और ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रैक्शंस। तो इससे एक चीज ये पता लगती है, मैंने पहले भी कहा था कि इसीलिए एंजाइम्स को बड़ा होना पड़ता है, लार्ज इन साइज, ताकि इधर इधर वाले दूर वाले जो इंट्रैक्शन इंट्रैक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनसे भी इंट्रैक्शन करके उनसे बाइंडिंग एनर्जी को ड्रॉ किया जा सके। तो इसलिए सारे एंजाइम्स बड़े होते। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, हालांकि वो शायद मैंने पहले भी डिस्कस हल्का सा किया है, वो पॉइंट ये है कि बाइंडिंग एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए क्या जरूरी एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इसे हम क्वांटिटेटिवली कैसे देख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी जो कि है उसमें यह देखा गया कि अगर कोई सिंगल ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
तो उसके लिए अगर एक 5.7 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो यानी एनर्जी मिल जाए तो वो किसी भी रिएक्शन रेट को 10^7 टाइम्स या 10 टाइम्स बढ़ा देती है 5.7। तो ये देखा गया कि अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप से वीक इंट्रैक्शन को देख रहे हैं तो उसमें वीक इंट्रैक्शन में 4 से लेके 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिल रही है। तो अगर एक इंट्रैक्शन पे इतनी मिल रही है तो एक से ज्यादा अगर इंट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो रिएक्शन स्टेट पर ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के लिए जो 50 से 60 किलो जूल मोल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी आसानी से ये प्रोवाइड कर देगा अगर एक से ज्यादा इंट्रैक्शन होगा तो ऐसा हम क्वांटिटेटिवली देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो सिंगल ऑर्डर में चूंकि 5.7 है अगर डबल ऑर्डर हो यानी दो सबस्टेट हो आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके नंबर ऑफ वीक इंट्रैक्शंस भी बढ़ जाएंगे और उनसे जो एनर्जी मिलेगी वो उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको 10 टाइम्स बढ़ा सकती है। इसी के बाद एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि कैटेलिटिक पावर तो बाइंडिंग एनर्जी से आ रही है लेकिन स्पेसिफिसिटी को हम क्या करें। तो स्पेसिफिसिटी में हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए एक एक्टिव साइट है किसी एंजाइम की एक्टिव साइट है उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि एमिनो एसिड के साइट चेंज हो सकते हैं एमिनो एसिड के साइट चेंज हो सकते हैं और जो कोएंजाइम्स हो सकते हैं कोएंजाइम्स के साइट चेंज हो सकते हैं कोफैक्टर्स हो सकते हैं तो वो यहां लगे हुए हैं और वो बेस्ट एडेप्टेड है अगर कोई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आता है जिसमें इसके इसी के अकॉर्डिंगली यहां पर वो इनसे इंटरेक्ट कर सके। तो चूंकि कोई भी एंजाइम बेस्ट कैटेलिसिस कब करेगा जब वो बहुत आसानी से फेवरेबल इंटरेक्शन कर सके। अगर वो फेवरेबल इंट्रैक्शन कर सकेगा तो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में वही सारे काउंटर पार्ट्स होने चाहिए जो काउंटर पार्ट्स एक्टिव साइट में हैं। तो दिस इटसेल्फ प्रूव्स स्पेसिफिसिटी यानी वो जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक हो जाएगा किसी विशेष सबस्ट्रेट के लिए। मान लीजिए इसमें एक और ग्रुप है जिसमें दो पॉइंट और लगे हुए हैं मगर एंजाइम में वो है ही नहीं तो उसे कैसे जुड़ेगा। या मान लीजिए एक दूसरा सबस्ट्रेट आता है और उसमें यहां पर एंजाइम में दो जो फंक्शनल ग्रुप है वो खाली रह जाते हैं और इसलिए खाली रह जाते हैं कि उनके काउंटर पार्ट उस सबस्ट्रेट में नहीं है तो भी वो उससे फेवरेबली अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की डिग्री यानी हाउ एफिशिएंट कैटालिसिस इज इट मींस हाउ स्पेसिफिक दैट एंजाइम वुड बी। तो स्पेसिफिसिटी भी हम समझ गए कि ये डिपेंड करती है इंट्रैक्शन पर और इंट्रैक्शन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा कैटालिसिस होगी।
अब ये सवाल उठता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए देखिए क्या हमें चाहिए, प्रोमिनेंट फिजिकल एंड थर्मो डायनेमिकल फैक्टर्स होने चाहिए हमारे पास, कि कोई ऐसा फैक्टर हो जो फिजिकल लॉस को फुलफिल करता हो और थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन में जो है सपोर्ट करता हो। लेकिन बहुत सारे हिंड्रेंस भी होते हैं। अब हिंड्रेंस पे ध्यान दीजिए कि क्या होगा। सबसे पहले होगा एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी एंट्रोपी ऑफ सबस्ट्रेट। एंट्रोपी मींस क्या होता है, रैंडमनेस, यानी किसी भी सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही उसकी एंट्रोपी मानी जाएगी, इंक्रीज्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सॉल्वेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बाय वाटर मॉलिक्यूल्स तीसरा है जो सबस्ट्रेट है उसके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन कम हो जाना। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन का हो जाना। और चौथा है चेंज इन एंजाइम कॉन्फॉर्मेशन। तो अब हम एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब है कि मान लीजिए ये सब रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टर नंबर टू रिएक्टर नंबर वन, ये किसी सॉल्यूशन में है और ये दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, होगा ही, कोई कहीं भी जा सकता है। यानी ये तय नहीं है कि ये कहां जाएगा, इसका मतलब दे आर मूविंग इन रैंडमली, तो एंट्रोपी इनकी ज्यादा है। तो यहां इसे कैसे दूर किया जा सकता है कि अगर एंट्रोपी रिड्यूस कर दी जाए, तो एंट्रोपी कैसे रिड्यूस होगी, अगर इन दोनों को कोई एंजाइम पकड़ ले, यानी एंजाइम सब्सट्रेट एक्टिव साइट्स में इंटरैक्शन हो जाए। वन यहां आ गया, टू यहां आ गया, तो इसने क्या किया कि जो एंजाइम हमने डाला किसी भी रिएक्टिंग सॉल्यूशन में, तो उस एंजाइम ने इनकी रैंडमनेस को कम कर दिया। अब रैंडमनेस कम क्यों हो गई, क्योंकि दोनों को पकड़ लिया है, अब ये कहीं जाएंगे नहीं और दे आर फ्री टू रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि कोलिजन, अगर नेचर में कोलिजन का चांस देखा जाए तो बहुत रेयर होता है किसी सॉल्यूशन में कि एक पॉइंट एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से टकरा जाए। तो टकराने में सहायता कौन करता है, एंजाइम। तो रिड्यूस एंट्रोपी इट इज ड्यू टू द एंजाइम, इस इम्पेक्ट जो इम्पेडिमेंट है उसे हम एंजाइम डाल के
दूर कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने आपको बताया था सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्वेशन का मतलब यह था कि एक शेल बन जाता है, शेल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड सबस्ट्रेट। तो ये क्या करते हैं कि ये उस रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज कर देते हैं। यानी जब हम पानी में रिएक्टेंट डालेंगे तो उसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएगा और उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इस सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज कर देगा और ये सबस्ट्रेट दूसरे रिएक्टेंट से अब रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बिकॉज इट इज कवर्ड होली बाई हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसे सॉल्वेशन कहते हैं। तो ये कैसे दूर होगा? डिसॉल्वेशन से। तो डिसॉल्वेशन कौन करेगा? अगर यहां पर एक एंजाइम है जिसने कि इस सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट में ले रखा है, तो ये एंजाइम क्या कर रहा है? इन सारे वाटर मॉलिक्यूल को हटा दे रहा है, डिसॉल्व कर दे रहा है। तो यहां अगेन एंजाइम फंक्शन, एंजाइम फंक्शन इन द एनहेंसमेंट ऑफ रेट। तो वो इस सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल बना रहा है। फिर तीसरा हमने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट में डिस्टॉर्शन होता है शेप में, यानी जो नॉर्मल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उन्हीं में सॉल्वेशन होगा, उन्हीं में एंट्रोपी इंक्रीज्ड होगी और उन्हीं में डिस्टॉर्शन भी हो जाएगा। तो उससे दूर करने के लिए एंजाइम का फंक्शन आता है वहां पे। अब ये एंजाइम क्या करता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन होता है वो इस जो सबस्ट्रेट है, मान लीजिए आप एग्जांपल अगर ये लीजिए कि अगर ये है सबस्ट्रेट, एक लंबी सी चीज है, तो इसमें डिस्टॉर्शन करता है लेकिन वो डिस्टॉर्शन अपने हिसाब से करेगा। मान लीजिए ये एक्टिव साइट की शेप है तो ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से शेप में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो ये जो डिस्टॉर्शन है जो कि होता है वो डिस्टॉर्शन अच्छे के लिए होता है और केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है ड्यू टू दी एंजाइम्स। नंबर फोर था जिसमें एंजाइम का कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा है। देखिए इससे पहले किसका कन्फर्मेशन चेंज हुआ था, डिस्टॉर्ट हुआ था सबस्ट्रेट का, लेकिन वो थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट हुआ क्योंकि वीक इंट्रैक्शंस बन गए। यानी डिस्टॉर्ट हो रहा है तो उससे डिस्टॉर्ट ठीक है हो रहा है, लेकिन एंजाइम उसे थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट करता है ड्यू टू दी एस्टैब्लिशिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस। यहां एंजाइम कॉन्फर्मेशन जो अपना चेंज कर रहा है वो भी अच्छे के लिए कर रहा है कि अगर मान लीजिए एक एंजाइम इस प्रकार था और जब उसने सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया तो उसने अपने कंफर्मेशन को इस प्रकार कर लिया।
तो ये जो कंफर्मेशन है ये रिएक्शन रेट को बढ़ाने के दिशा में है, एनहेंसमेंट ऑफ रिएक्शन रेट। तो इसी ये जो कंफर्मेशन चेंज हुआ है इसी को कोश लैंड ने ...1958 में जब लॉक एंड की के बारे में बहुत सारी बातें हो गई और लाइनस पॉलिंग और वगैरह वगैरह और लोगों ने भी कहा, तो उन्होंने इसको इंड्यूस्ड फिट कहा। ये जो इंड्यूस्ड फिट है वो इसी कंफर्मेशन चेंज को कहा कि एंजाइम क्या करता है, वो अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड फिट हो जाता है जो कि ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो थ्योरी आई को इंड्यूस्ड फिट की लॉक एंड की के बाद, फिशर के बाद, वो थी कॉशलैंड की इंड्यूस्ड फिट, जो इसी बात को बता रहा है कि किस प्रकार रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एंजाइम अपने कन्फर्मेशन को चेंज करता है। और ये आप जानते हैं कि जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर टर्शरी पढ़ रहे थे तो टर्शरी स्ट्रक्चर में भी इंड्यूस्ड फिट होता है, जब दूसरे आते हैं तो इंड्यूस्ड फिट जो कन्फर्मेशन है जो प्रोटीन का वो अपने काउंटर पार्ट के साथ फिट हो जाता है और थोड़ा सा अपना कन्फर्मेशन चेंज कर लेते। तो वही चीज यहां प्रोटीन में भी है। अब इंटायरली एक नया पॉइंट यहां पर आ रहा है, जैसे अभी तक तो हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे होगी, कितने जो हैं इसके इम्पेडिमेंट्स हैं जो चार हैं, ये एंट्रोपी वाले, डिस्टॉर्शन, सॉल्वेशन। अब ये आ रहा है कि क्या बाइंडिंग एनर्जी एलोन इज सफिशियंट is sufficient to carry out the full reaction। क्या इसके वजह से जो activation energy घटी है, जो different transient covalent interaction बने हैं या जो different weak interactions बने हैं, क्या केवल वही enough है कि कोई reaction हो जाए? तो ऐसा नहीं है। अब बाइंडिंग एनर्जी के अलावा भी कुछ मैकेनिज्म काम करती है, जिसमें नंबर वन है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, नंबर टू है कोवेलेंट कैटालिसिस, एंड नंबर थ्री है मेटल आयन कैटालिसिस। ये तीन ऐसी मैकेनिज्म हैं जिनका बाइंडिंग एनर्जी से कोई संबंध नहीं है। यानी अब ये तीन मैकेनिज्म और काम करेगी जिससे कि फाइनली रिएक्ट जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं जो जिनका की बाइंडिंग एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हम नंबर वन को डिस्कस करते हैं। ये जो जनरल एसिड बेस कैटालिसिस है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि बहुत सारे किसी भी रिएक्शन में बहुत सारे चार्ज्ड अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जैसे एक इंटरमीडिएट बना जो चार्ज्ड है, लेकिन ये क्या होता है कि ये चूंकि अनस्टेबल होता है तो इसलिए ये वापस अपने रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट में टूट जाता है वापस,
चार्ज होता है वापस अपने रिएक्टेंट में टूट जाता है, ऐसा नॉर्मल बहुत सारे रिएक्शंस में होता है सॉल्यूशंस में। लेकिन इसे स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है, स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है, अगर इसमें एक प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया जाए, एक प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो एक प्रोटॉन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या एक इंटरमीडिएट्स दूसरे हैं उसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि अब ये प्रोडक्ट में बनने की तरफ ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की कैटालिसिस जिसमें कि हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होता है, जो कि आप ये समझिए कि सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में देर मस्ट बी ए स्टेप इन विच देर इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है जो एसिड बेस कैटालिसिस इसे बोलते हैं। लेकिन दो कैटेगरी है इसमें, एक ये, एक कैटेगरी ये जिसमें कि दिस प्रोटॉन इज प्रोवाइडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इसे हम स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस बोलते हैं, इसे हम स्पेसिफिक एसिड बेस। दूसरे जो कैटेगरी है उसमें वीक दिस प्रोटॉन इज गिव प्रोवाइडेड बाय वीक एसिड और वीक बेस, इसे हम जनरल एसिड बेस कैटालिसिस बोलते हैं। तो ये दो तरीका है। तो होता क्या है कि जब हमारा एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट में ले लेता है तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल अनअवेलेबल हो जाता है। अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है तो जनरल एसिड बेस कैटालिसिस होती है जिसमें वीक एसिड और बेस से इन्हें मिलता है। अब ये वीक एसिड बेस भी वहां नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं एमिनो एसिड के, वो आइदर एसिड की तरह बिहेव करते हैं और अगर एक्सेप्ट करना है तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, जिसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ग्लूटामीन और एस्पार्टेट है, ग्लूटामीन और एस्पार्टेट है, ये आर सी ओ ओ H, तो ये कैसे काम कर रहा है, एज ए एसिड काम कर रहा है। और अगर इसमें आर सी ओ ओ कार्बोक्सिल ग्रुप खाली रह जाए तो ये किस तरह काम करेगा, बेसिक एज ए बेस। इसी प्रकार जैसे सीरीन है, जैसे सीरीन है तो ये इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो इसका जो एक एच है ये अगर देता है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और सिर्फ एक ओ लगा हो तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार आप देखिए तो लाइसीन एंड आर्जिनिन, इसमें आर एन एच और ये एच अगर अवेलेबल है तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है और आर एन एच टू और ये माइनस, बल्कि माइनस नहीं बल्कि यहां पे दो बच्चे हो इस तरीके से इमिनो ग्रुप हो तो ये बेस की तरह काम करता है। तो होता क्या है कि जो एसिड बेस कैटालिसिस है यानी जो बाइंडिंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, इनके अलावा जो
किसी भी टारगेट साइट पे जो एक्शन होगा उसमें एक एक्शन ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जिससे रिएक्ट जो कॉम्प्लेक्स है ES और EP कॉम्प्लेक्स वो प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हमने आपको दिया। जो नेक्स्ट इसका है, मैंने आपको लिखा था वो क्या था, कोवेलेंट कैटालिसिस। इसका उदाहरण है, मान लीजिए एक आपने ए और बी एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोलिसिस होनी है। इस हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, ए और बी अलग अलग हो जाएंगे। तो चूंकि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, अब इसको जब हमने एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्ट कराया तो ए का बॉन्ड एक्स एक न्यूक्लियोफाइल से कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, और न्यूक्लियोफाइल से कोवेलेंट बॉन्डिंग होने से बी अलग हो गया, और ये फिर से जब ए हो जाएगा अलग, एक्स अलग हो ही जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ये जो एक्स है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वही न्यूक्लियोफंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अभी मैंने आपको एसिड और बेस में जो एमिनो एसिड्स बताए थे, ग्लूटामिन, एस्पार्टेट, आर्जिनिन, सीरीन, वो वही ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं। और ये जो रिएक्शन पाथवे है, ये रिएक्शन पाथवे डिफरेंट है, यानी डिफरेंट पाथवे, यानी अब ए और बी के बीच टूट करके सीधे ए बी को अलग नहीं होना है, ए पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा एक्स से अटैच होगा और तब उसकी वजह से बी अलग होगा, बाद में ए अलग हो जाए। ये जो डिफरेंट पाथवे है, ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट फेवरेबल है, क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम है, फेवरेबल है। तो इसी वजह से जहां पे कोवेलेंट कैटालिसिस होता है, यानी वन ऑफ द पाथवे इज डाइवर्टेड टू द अनदर मोस्ट फेवरेबल पाथवे विच हैव लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो इट इज ड्यू टू द एंजाइमिक एक्शन। थर्ड में है कि आयनिक, बल्कि मेटल लिख लीजिए, मेटल आयन कैटालिसिस। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे मेटल आयन को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, ये को फैक्टर आयोनिक इंटरैक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं, और ये उसी तरीके से ये बिहेव करते हैं जैसे कि वीक इंटरैक्शंस यानी जो मेटल आयन कैटालिसिस है वो वीक इंटरैक्शंस जैसे बाइंडिंग एनर्जी में यूज हुआ था उस तरीके से ये बिहेव करते हैं एंड दे ब्रिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इनमें वीक इंटरैक्शन बनाते बनाते कभी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी ये बनाते सपोर्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिवर्सिबल चार्ज ट्रांसफर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम के साथ बना करके और फिर से प्रोडक्ट में टूट जाते हैं या प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। सो ये दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स। इसके बाद हम माइकलिस मेंटन जो काइनेटिक्स में जो मेन रोल है, जिनका जिन्होंने मेन रिसर्च करी थी, उनके हिसाब से जो वो इक्वेशन है मॉन मेंटन का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। थैंक यू।